प्रॉपर्टी जो हो गया लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, स्टिमुली लिविंग थिंग्स स्टिमुली के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, रिएक्टिंग टू ए चेंज, रिएक्टिंग टू ए चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जब वातावरण में, पर्यावरण में कोई परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन के प्रति सभी लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ए चेंज अराउंड अस दैट मेक अप रिस्पॉन्ड टू इट इज नोन एज स्टिमुलस। वैसे परिवर्तन जिसके कारण सजीव अपने आप में रिस्पॉन्ड करता है, ऐसे परिवर्तन को हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे हीट हो गया, जैसे लाइट हो गया, जैसे साउंड हो गया, ये सब स्टिमुलस है। एवरी लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड इन सम वे और अदर वे टू द स्टिमुली। सभी सजीव प्राणी एक तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न तरह से क्या करते हैं, स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए टच मी नॉट प्लांट इमेडिएटली क्लोजेज इट लिप्स व्हेन टच्ड। करें उदाहरण के लिए, टच मी नॉट प्लांट को जब भी हम छूते हैं तभी उसके जो लिप्स होते हैं श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ए टच मी नॉट प्लांट और मीमोसा भी कहते हैं इसको, इमेडिएटली क्लोजेज इट लिप्स व्हेन टच्ड। द नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, जो जैस्मिन फूल है जो रात में खिलता है, द नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन ब्लूम्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट। केवल रात में ही जैस्मिन का फूल खिलता है, जब ही सूरज की किरणें आती हैं ये मुरझा जाता है। एनिमल रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली, एनिमल्स अनेक फैक्टर्स के प्रति, स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करता है। उसमें हीट है, उसमें कोल्ड है, उसमें साउंड है, वो स्मेल है, वो टेस्ट है, वो शार्प ऑब्जेक्ट है, इन सब के प्रति लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करता है और ये सभी स्टिमुलस कहलाते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट। सभी सजीव प्राणी अपने शरीर से वेस्ट का एक्सक्रिएशन करते हैं। वो वेस्ट स्वेट के रूप में, यूरिन के रूप में, स्टूल के रूप में, अनेक रूपों में होता है। ये सभी प्राणियों में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी प्राणियों का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दियर बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन के द्वारा सभी सजीव प्राणी अपने शरीर में जो वेस्ट पदार्थ का प्रोडक्शन होता है उसको एक्सक्रिएट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। एनिमल्स रिमूव और एक्सक्रिएट वेस्ट इन दियर बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनिमल्स रिमूव और एक्सक्रिएट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं सभी एनिमल्स के शरीर से वेस्ट का एक्सक्रिएशन होता है, वो स्वेट के रूप में होता है, वो यूरिन के रूप में होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सभी लिविंग बींग एक्सक्रिएट करते हैं। प्लांट एक्सक्रिएट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन सच एज गम एंड रेजिन एंड एक्सेस वाटर एज वाटर वेपर। रहे पौधे भी अपने शरीर से एक्सक्रिएशन करते हैं। ये पौधे एक्सक्रिएशन के रूप में क्या क्या छोड़ क्या क्या रिलीज करते हैं, तो लिखा है ये गम्स रिलीज करते हैं, गोंद, ये रेजिन रिलीज करते हैं, और जो एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट के अंदर होता है, पौधा अपनी पत्तियों के द्वारा वाटर वेपर के रूप में एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है, तो प्लांट भी एक्सक्रिएशन करते हैं। सातवां गुण सजीवों का है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सजीव अपने समान दूसरे जीवों का निर्माण करते हैं, ये भी सजीवों का एक गुण है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू डियर ओन काइंड। सभी सजीव प्राणी अपने समान दूसरे सजीवों का निर्माण करते हैं, ये भी लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू शूट्स सीड्स। पौधे में रिप्रोडक्शन की क्रिया मुख्यतः सीड के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा एंड अदर बॉडी पार्ट्स के द्वारा होता है, जबकि एनिमल में रिप्रोडक्शन अंडे के द्वारा या By giving birth to young ones, कुछ एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो अंडे देती है, और कुछ जीव जो हैं, मैमल्स जो हैं, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अपने समान दूसरे बच्चे का निर्माण करते हैं, उसको मिल्क फीड करते हैं। तो सजीवों का एक गुण है रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो,
चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, अपने समान दूसरे जीवों का निर्माण करते हैं। आठवां कैरेक्टरिस्टिक्स है सजीवों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सभी सजीवों की एक निश्चित शारीरिक इकाई होती है। सभी सजीव सेल के बने होते हैं। सेल से सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। जब सिमिलर टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। जब सिमिलर ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और पूरे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन का, जीव का निर्माण होता है। यही हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग। लिविंग थिंग्स हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज शोन बिलो। सभी सजीवों में ये आकृति पाई जाती है कि हमारे शरीर का, सभी सजीवों का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। सेल सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। जब सिमिलर टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गेन का निर्माण होता है। जब सिमिलर ऑर्गेन मिलते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है। और सिमिलर ऑर्गेन सिस्टम जब बनता है तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जीव, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में केवल एक सेल होता है। एक ही सेल से उनके पूरे शरीर का निर्माण होता है। ऐसे जीवों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा, परामीशियम, यूलिना, ये यूनिसेलुलर, अमीबा, हाइड्रा, परामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जबकि सम ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनमें बिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, बिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। ऐसे सजीवों को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हो गया डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, ये बहुत सारे एग्जांपल है। डॉग, ट्री, ह्यूमन बीइंग, ये सब एग्जांपल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जो एक सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अनेक सेल से बना हुआ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक है आज का, लाइफ स्पैन और डेथ। सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, उसके बाद सजीवों की मृत्यु हो जाती है। सभी सजीव एक निश्चित काल तक जीवित रहते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न ग्रो इन एडल्ट। सजीवों का जन्म होता है, वे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फाइनली उनका डेथ हो जाता है। इसी तरह से सीड से प्लांट होता है, प्लांट से ट्री होता है, और कुछ समय के बाद ट्री का डिके हो जाता है, टूट जाता है, काट दिया जाता है, फाइनली प्लांट का भी डेथ हो जाता है। द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जितने वर्षों तक कोई सजीव जीवित रहता है वो उसका डेफिनेट लाइफ स्पैन कहलाता है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, प्लांट्स का भी अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। सभी सजीवों की अलग का अलग अलग जीवन काल होता है, और एक निश्चित जीवन काल पूरा करने के बाद सभी सजीवों की मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे जो लिविंग बींग से रिलेटेड